सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय डेट 24/7। माय नेम इज वरुण गोयल। तो स्टूडेंट, जैसे आप सभी को पता है कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन ब्रोशर, एक तरीके से मैं बोलूंगा, ऑफिशियली आउट नहीं हुआ है, बट लेकिन यस, बहुत सारे पब्लिकेशंस ने और बहुत सारी न्यूज आउटलेट्स ने कवर किया है चीज को, एंड ये बहुत ऑथेंटिकेटेड आपके पास इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों को बहुत डाउट्स आ रहे थे कि सर लैंग्वेजेस एंड मिनिमम सब्जेक्ट्स आपको किस तरीके से लेने, तो इस चीज इस वीडियो के जरिए मैं आपको यही सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा और आपसे यही डिस्कस करूंगा बच्चे। तो प्लीज, बहुत इन्फॉर्मेटिव आपके पास ये वीडियो होने वाली है, तो प्लीज आप इसको अच्छे से सुनना, एंड मे बी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। मे बी तो मैं आपके लिए कह रहा हूं, बट लेकिन इसको मैं श्योरिटी से बता रहा हूं, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा अनक्लैरिटी और एक तरीके से मैं बोलूंगा बस बन रखा है इन सारी चीजों के लिए। ठीक है, तो अगर आप लैंग्वेज की मुझसे बात करो कि अगर लैंग्वेज सर की विच लैंग्वेज लैंग्वेज लेनी है कि नहीं लेनी, ऑप्शनल है कि नहीं है, कि मेरे पास 3 लैंग्वेजेस लेने का सीयूटी ने वो बोल रखा है, एनटीए के द्वारा जो पब्लिक नोटिस जारी हुआ था, पब्लिश हुआ था, तो उन्होंने साफ बोला था कि अगर मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस आप ले सकते हो, राइट। तो मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी को अगर मैं एस्पायर कर रहा हूँ, तो क्या मैं दिल्ली लैंग्वेजेस कितनी लूँ उसमें, ठीक है, और कौन सी लैंग्वेज लूँ? तो इसका जवाब ये है कि बच्चों को ये भी डाउट है कि सर मेरे को लैंग्वेज लूँ, अगर मैं स्किप भी कर दूँ तो क्या मैं पेपर दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें कोई मिनिमम का क्राइटेरिया तो है ही नहीं। मैक्सिमम का बोल रखा है उन्होंने एनटीए ने, तो कि आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस ले सकते हो, राइट। मिनिमम का क्राइटेरिया है नहीं, तो मिनिमम तो कैन बी 0 ऑल्सो। ठीक है, तो इसका डाउट है बहुत बच्चों का, तो दैट्स वाई हम ये आपके सामने ये वीडियो लेके आए हैं। आपको शायद कुछ वैल्यू एडिशंस मिलेंगे यहाँ पे, तो प्लीज़ इससे जुड़े रहेंगे, आखिरी तक आप जुड़े रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छी मैं चीज़ें समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। ठीक है, तो समझते हैं बात को। तो अगर आप बोलो कि सर मुझे लैंग्वेज अगर मैं स्किप कर दूं तो मैं पेपर दे सकता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो इसका आंसर है बिग नो, नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यह कह दिया है कि नो मैटर व्हाट, कि आप कौन से कोर्स में जाना चाह रहे हो, कौन सा कोर्स आप एस्पायर कर रहे हो, नो मैटर, ठीक है, आपको लैंग्वेज देनी जरूरी है, और लैंग्वेज देनी देनी ही पक्की है। कोई सी भी लैंग्वेज दो, बट इट इज मैंडेटरी टू गिव अ लैंग्वेज, ठीक है, एक लैंग्वेज आपको पक्का देना है, क्लियर है। तो यहां पे भी वही लिखा है, देखो, द कैंडिडेट कैन अपेयर फॉर सीयूईटी इन अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट, आउट ऑफ विच 1 मस्ट बी अ लैंग्वेज सब्जेक्ट। ठीक है, 6 सब्जेक्ट्स में से आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स ले सकते हो इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, वेयर एज आपका 6 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज होना चाहिए, मतलब कि आपके पास डोमेन्स का, या फिर मैं बोलूं कि जीटी को भी इंक्लूड अगर मैं कर दूंगा, तो आपके पास 5 सब्जेक्ट और बच जाते हैं अदर देन लैंग्वेज। आई थिंक यहां तक क्लैरिटी आ रही है, तो हिंदी लैंग्वेज ले सकता हूँ। देखो, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर डीयू में बीएमएस करने के लिए हिंदी लैंग्वेज ले सकता हूँ, ले सकते हो, बट लेकिन इट इज़ मैंडेटरी कि मतलब मैंडेटरी नहीं बोलूँगा, इट इज़ एडवाइजेबल कि आप इंग्लिश ले लें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इंग्लिश वहाँ पे पढ़नी ही है, तो अच्छा ही रहेगा आपको। बिजनेस, आप बिजनेस की दुनिया में जाना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप में आपको चीज़ें सीख रहे होंगे, तो इट्स बेटर कि आप अभी से इंग्लिश को समझना, पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। तो इंग्लिश आप लेने का इट्स एडवाइजेबल, ठीक है, शायद यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है एडमिशन टू बीएससी। अब मैं ना कुछ कॉम्बिनेशंस लेके आया हूँ आपके सामने कि जिससे सारी चीज़ें क्लियर हों, ठीक है। ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई लैंग्वेजेस का, कि लैंग्वेज तो आपको एक मिनिमम देनी ही देनी है, आप चाहे किसी भी कोर्स में हो, लेकिन डोमेन्स का वेरिएशन है, राइट। डोमेन्स का वेरिएशन है कि कौन सी डोमेन आपको कौन कहाँ पर मिलने वाली है, कौन सी डोमेन आप ले रहे होंगे, राइट। तो इसमें देखो, बन जाओ केसी फैक्टर, ऐसा नहीं है, हर एक की लाइफ में ऐसा ऐसा एक मुकाम आता है कि उसको डिप्रेशन बहुत हो रहा है, बच्चा बोल रहा है, ऐसा बिल्कुल मत करो, डिप्रेशन की कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राइट गाइडेंस के थ्रू अगर आप चीज़ों को चलाते रहोगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथली बहुत फ्लो में चल जाएंगी, ठीक हो गया। अब देख लो इसमें, फॉर एडमिशन इन बीएससी कोर्सेज द एलिजिबिलिटी विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो। मैं आपको यहाँ पे लिखता भी रहूँगा कि जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आती रहे कि लैंग्वेज तो आप चाहे कोई सा भी कोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, आपकी लैंग्वेज तो मैंडेटरी हो गई, ठीक है, लैंग्वेज तो आपकी मैंडेटरी है, ठीक है, लैंग्वेज आपकी मैंडेटरी हो गई। और अगर आप स्पेसिफिकली बीएससी को एस्पायर कर रहे हो ना, तो आपको या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायो में से, बायोलॉजी में आपको एक सब्जेक्ट तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक हो गया। तो साफ साफ लिखा है इसमें, फॉर द एडमिशन इन बीएससी प्रोग्राम द एलिजिबिलिटी विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। फॉर एडमिशन इन बीएससी प्रोग्राम द एलिजिबिलिटी विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, साफ लिखा उन्होंने कि सिर्फ और सिर्फ आपके ये जो मेरिट बनेगी ना आपकी, जो भी आप सब्जेक्ट्स ले रहे होंगे, राइट, जो भी आप सब्जेक्ट्स ले रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपकी मेरिट बन रही होगी। लैंग्वेज आपको एक फिक्स हो गई, और अगर बीएससी के स्टूडेंट हो तो आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है। अब आगे बढ़ लो,
मैं एक और कोर्स लेके आया हूँ आपके लिए बीए का। बीए के लिए बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था क्योंकि बहुत सारे बच्चे एस्पायर भी कर रहे होते हैं। बच्चे अगर आपको थोड़ी सी बीए वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज लाइक दिस सेशन, ठीक है, एंड शेयर दिस सेशन, ठीक है। तो अब देखो, फॉर द एडमिशन टू द बैचलर्स ऑफ आर्ट बीए के लिए जो भी स्टूडेंट एस्पायर कर रहा है, कैंडिडेट विल हैव टू अपेयर इन द टेस्ट। ऑब्वियसली सीयूटी का एग्जाम उसे देना पड़ेगा, ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं बीए का एग्जाम दे रहा हूँ, बीए का मैं एस्पायर कर रहा हूँ तो मैं बिना एग्जाम दिए भी मैं एडमिशन ले सकता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ साफ बोल दिया है कि कोई से भी आप कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो सीयूटी इज मैंडेटरी फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट। तो अब देखो इसमें फॉर सेक्शन वन इन एनी वन लैंग्वेज, ऑब्वियसली आप चाहे बीए भी कर रहे हो तो ये भी कोर्स आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ साफ बोल दिया है कि आपको एक को लैंग्वेज देनी ही पड़ेगी, तो एक लैंग्वेज तो यहाँ पे आ गई आपकी, लैंग्वेज एक फिक्स कर दी आपने, एक लैंग्वेज फिक्स कर दी फ्रॉम सेक्शन वन एंड एनी थ्री लैंग्वेज फ्रॉम अदर सेक्शंस। मतलब कि तीन चीज़ें आप, तीन सब्जेक्ट्स आप किसी और में भी ले सकते हो। अभी एक बीए के ऊपर मैंने एक पूरा फुल फ्लेजेड एक वीडियो बनाई है, 5-6 मिनट की बनी है वो, सिर्फ आप उसको जाके देख सकते हो। उसमें कॉम्बिनेशन भी मैंने आपको एडवाइस किए हैं कि आप क्या क्या कॉम्बिनेशन ले सकते हो। उसमें जीटी का भी एक मैंने आपको बहुत प्यारा सा कॉम्बिनेशन बोलूंगा मैं वो दिया है, क्योंकि अननेसेसरी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक पूरा होल एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ो। इट्स बेटर कि आप जीटी को तैयार कर लो, जीटी इज वेरी इजी फॉर सीयूटी, ठीक है। तो प्लीज आप उस जाको उसको भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। बीए के लिए बिल्कुल एक फुल फ्लेजेड वो बना रखी है, वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो आपके पास बीए के लिए चीजें क्लियर हो गई, लैंग्वेज तो आपको देनी ही है एंड तीन आपके पास सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो फरमाइए तो सभी फॉर्म फॉर्म ही नहीं आई, हाँ रोहित अभी आने वाला है, मे बी आज लाइव हो जाएगा तो सारी चीज़ें हम आपको और अच्छी तरीके से बता रहे होंगे, ठीक है। तो अब देखो बी एस सी कोर्सेज के लिए क्या है, मार्क्स वुड बी कैलकुलेटेड ऑन द, ये मैंने ऑलरेडी बी एस सी वालों को आपको बता ही दिया है, मैथ्स फिजिक्स बायो पे इसमें आपके मार्क्स कैलकुलेट हो रहे होंगे, मस्ट बी सिक्योर 30% मार्क्स। तो मतलब इसमें एक एडिशनल और क्या चीज़ है आपके लिए कि अगर आप बी एस सी के लिए तैयारी कर रहे हो ना तो लैंग्वेज तो आपको देनी ही है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पीसीएम या बी में से आपको एक सब्जेक्ट देना है, और लैंग्वेज में उसने साफ साफ कह दिया कि 30% मार्क्स तो आपके होने चाहिए, लैंग्वेज में आपके 30% मार्क्स तो होने ही चाहिए एनी हाउ, ठीक है। अब देखो इसमें एक और चीज थी, बीए कोर्सेज स्टूडेंट विल अपेयर इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेज, एक बीए कोर्सेज के लिए आपको एक एनी वन ऑफ द लैंग्वेज और थ्री सब्जेक्ट्स आपको देने हैं इसमें, ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। और इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए ना, मैथमेटिक्स इसमें इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें मैथमेटिक्स ऐसा डोमेन सब्जेक्ट आपको लेनी ही पड़ेगी एनी हाउ, ठीक है। एक लैंग्वेज कंपलसरी हो गई, एक मैथमेटिक्स कंपलसरी हो गई, और उसके बाद फिर आप लोग दो सब्जेक्ट्स कुछ और भी ले सकते हो, आप दो सब्जेक्ट्स कुछ और भी ले सकते हो, राइट। बीकॉम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बीकॉम के लिए अभी बीकॉम ऑन इसके लिए आ रखा है आपका, बीकॉम के लिए अभी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। इसमें बीबीए बीबीए बीएमएस बीबीई के लिए आ रखा है, इसमें आपको एनी वन ऑफ द लैंग्वेज, एक लैंग्वेज दो को, लैंग्वेज तो आप चाहे कोई भी, अब तो आंखें मूंद के आप समझ लो, इसे ध्यान रख लो, याद रख लो कि आप चाहे कोई भी कोर्स कर रहे हो आप, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आपको एक लैंग्वेज तो मैंडेटरी है ही बच्चा, ठीक है। मैथमेटिक्स बीकॉम ये बीबीए बीएमएस बीबीए और बीबीई के लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी है, दो चीज़ों के लिए मैं आपको बता दिए, मैथमेटिक्स कंपलसरी है बीएमएस बीबीई और आपका बीबीए के लिए, एंड वेयर एज बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स के लिए आपको मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट लेनी होगी, ठीक है। अब ये देखो बीए प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम एंड बीके वोकेशनल में आपको क्या है, स्टूडेंट्स विल हैव अ चॉइस ऑफ वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज आप ले सकते हो, लिंग्विस्टिक में भी आप एक लैंग्वेज ले सकते हो, और जिस में आप अपना करियर बनाना चाह रहे हो उसके अलावा भी आप लैंग्वेज ले सकते हो, और आपको काउंसलिंग के समय पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी लैंग्वेजेस की प्रेफरेंस जो भर रखी होगी उसमें शफलिंग करने का, राइट। आई थिंक बीएमएस ले सकता हूं, शिवम राजपूत मैंने इसका आंसर दिया आपको कि हिंदी से ले तो अगर उसने मना, उन्होंने एक लैंग्वेज बोल रखी है तो यस यू कैन गिव द हिंदी एग्जाम, हिंदी से आप एग्जाम दे सकते हो, बट मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि प्लीज आप इंग्लिश के थ्रू एग्जाम दो, ठीक है। बीकॉम के लिए कितने डोमेन देने हैं, तो डोमेन्स का उन्होंने कुछ मेंशन नहीं कर रखा बच्चे उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी इसमें, तो आई थिंक मैंने आपको ये भी क्लैरिटी दे दी कि हर एक कॉम्बिनेशन आपको बना के दिए हैं कि हर एक सब्जेक्ट में कौन से कॉम्बिनेशन हो रहे होंगे, राइट। बीबीए का बता दिया आपको, बीएससी का बता दिया, बीएससी में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ्स से आपको लेनी जरूरी है, और वेयर एस बीकॉम ये बीबीए बीएमएस बीबीए बीबीई में आपको मैथ्स जरूरी है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में मैथ्स जरूरी है, और लैंग्वेज तो आप जो भी कोर्स कर रहे होंगे आपके लिए उसमें जरूरी है, क्लियर है सारी चीजें। बीए के लिए मैंने स्पेशली आपको जो कॉम्बिनेशन बनाए हैं, एक लैंग्वेज के अलावा तीन सब्जेक्ट जो लेने हैं ना उसके लिए भी कॉम्बिनेशन मैंने बता दिए हैं, तो प्लीज आप लोग इन सारी चीजों को रेफर कीजिए, आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही हैं वीडियोस, कोई भी डाउट हो आप बताएं, हम ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस आपके सामने लेके आते रहेंगे। और एक आप लोगों के लिए मैं आपको एक तरीके से बोल दूंगा प्राइज है, वो प्राइज ये है कि हम आई का स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं अपने अड्डा 24/7 की ऑफिशियल ऐप पे, प्लीज आप जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर देना है, बिल्कुल फुल फ्लेजेड जैसे
जैसे भी आपका एग्जाम सीयूटी का 2022 का आने वाला है, वैसे ही एक तरीके से डमी एग्जाम आपका यहाँ पे हो जाएगा। और अगर आपने अच्छी रैंक, अच्छे स्कोर आपने कर लिए उसमें, स्कोर अगर आपने पा लिए, तो आपको 5 लाख तक के बेनिफिट्स उसमें मिल सकते हैं, ठीक है। गोल्डन चांस है आपके पास ये। और मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हमारे से लाइव क्लासेस में पढ़ें ऐप में, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज भी मिल रहे होंगे, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज मिल रहे होंगे। आपको करना क्या है, ऐप अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अभी भी बहुत ज़्यादा मिलता है, जैसे कि आपको करंट अफेयर्स डेली वहाँ पर रेगुलरली मिल रहे होते हैं, जीके जनरल अवेयरनेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती है, जनरल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, रीजनिंग एबिलिटी के, इंग्लिश डोमेन के, इंग्लिश लैंग्वेज के, आपको डोमेन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सारी चीज़ें वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्विजेज मिल रहे हैं वहाँ पर, तो आप जा सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको डाउनलोड करना है, आपको फ्री पीपीटीज मिलती हैं, वहाँ पे पीडीएफ मिलती हैं, गिव अवेज मिलते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट मिलते हैं, लाइव मॉक्स मिलता है, वो करंट अफेयर्स मिल रहे होते हैं आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चे वहाँ पे, ठीक है। और आप कौन से अगर आप सीयूटी के अलावा भी कौन से एग्जाम्स को आप टारगेट कर रहे हो, तो बीएमएस के लिए डोमेन है बस, ठीक है, अमृता सिनारियो सुनारिया, उसमें डोमेन आपको एक लेना पड़ेगा, उसमें ना मैथमेटिक्स आपको ज़रूरी है, उसके अलावा आप कोई और डोमेन भी ले सकते हो, मैथमेटिक्स तो एज अ डोमेन लेनी है आपको, ठीक है। सीयूटी की अगर तैयारी कर रहे हो, इंदौर की कर रहे हो, जिपमैट की कर रहे हो आप, क्लैट की कर रहे हो, या फिर कोई भी आप अदर एग्जाम कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं हिंदी, यार मैं कितनी बार बताऊं यार, हैं, मैं आपको कितनी बार बताऊं शिवम राजू, मैंने बता तो दिया हिंदी में आप दे सकते हो उसमें, ठीक है। तो अब और इफ़ यू वॉन्ट टू बाई समथिंग ऑन आर ऐप, तो यू शुड अप्लाई दिस कोड Y454, आपको कोड अप्लाई करना है, कोई भी चीज़ आपको करनी है, खरीदनी है, बीटी और कोर्सेज, बीटी और टेस्ट सीरीज, कुछ भी आपको खरीदना है वहाँ पे, तो प्लीज़ अप्लाई दिस कोड Y454 इज द कोड। एक बच्चा क्या मैसेज कर रहा है कि सर प्लीज़ एक बार बीकॉम, हाँ ठीक है, इसके ऊपर मैं बना दूंगा, ठीक है, आपके लिए सृष्टि भारद्वाज ने डाउट पूछा है, तो बीकॉम के लिए भी हम पूरा एक फुल फ्लेजेडली एक बना देंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, एंड प्लीज यू हैव टू अप्लाई दिस कोड Y454 इज द कोड, एंड सेकेंडली आपको स्कॉलरशिप 10 अप्रैल को बुक योर डेट्स और 10 अप्रैल को आपको ये पेपर देना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप शेयर करते रहें सेशन को और लाइक करते रहें, ठीक है, ऐसे ही आप शेयर करते रहें, लाइक करते रहें सेशन को, और आपके जो भी डाउट्स हों यू कैन कमेंट डाउन बिलो, वापस से हम आके आपको कमेंट्स वहाँ पे बता देंगे। इफ़ इन केस अगर आपको ज़्यादा जनता का डाउट वही सेम होगा, तो हम आपके पास ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मोर एज पॉसिबल, और थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।